पवनदीप सुर ले लो आप। मैं पियानो पे। हाँ जी हाँ जी। पियानो पे कोई है नहीं, है बैठा नहीं है। मैं ही बजाऊंगा। अच्छा आप, अच्छा, आप खुद बजाएंगे? चीज़ क्या बात। अच्छा शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, वाह वाह वाह, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, हमसे हम ही छिन गए। क्या बात है। जब से देखे नैन तिहारे सजदा जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी। इंडिया पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सबके प्यारे, पूरे इंडिया के दुलारे और आइडल के सबसे रोशन सितारे आ रहे हैं कोलकाता के दिल पर दीपन और मुंबई की सायली कामले। अरे अरे ए ए ए ए के साथ साथ घटा के संग संग, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला,
हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल। केमिस्ट्री कितना खूबसूरत था। ओहो हो, आई जस्ट लव्ड योर परफॉर्मेंस। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सैली, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी। इतनी सुंदर प्यारी आवाज है और आई एम सो हैप्पी आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया इनको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सुपर। मैं हमेशा नथ पहन के गाती हूँ क्योंकि हमारी महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। yes. आज आपके लिए भी नथ लाई थी। अगर भाई इतने मराठी गाने गाए हैं, मेरी तो पहली शुरुआत ही मराठी म्यूजिक से हुई है करियर की, तो आज फाइनली इसको कंप्लीट लुक मिला है। थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द बोथ ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज जजेस स्कोर्स के बेसिस पर तीन सिंगर्स होंगे बॉटम जोन में, और जिस सिंगर को जनता ने सबसे कम वोट दिए होंगे वो हो जाएगा फिनाले की रेस से बाहर, और हमें मिल जाएंगे इंडियन आइडल सीजन 14 सेमीफाइनलिस्ट, यानी कि हमारे टॉप 7 सिंगर्स। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।
इतनी रूहानी है, इतनी एफर्टलेस सिंगिंग है आपकी, उसके साथ अनन्या की आवाज इतनी अच्छी जच रही थी, आई रियली फेल्ट लाइक अ वेरी वेरी प्राउड बिग सिस्टर। मेरे को ना तुम्हारे दोनों का गाना सुन के ना तुम दोनों से प्यार हो गया एक्चुअली। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो गर तुम्हें प्यार होने लगे प्यार होने लगे। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। बनी सगा मरे पानी साधा गा हारे गगगने गगगने गग सारे रे सारे सारे रे रे सारे रे रे निसा सा सा निसा सा सा निसा पग नींद का सादा करे एक ख्वाब दे एक ख्वाब ले एक ख्वाब तो आँखों में है एक चांद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमान को सुना दे। बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल हल्के।
बोलना हल्के हल्के, इतना खूबसूरत गाना है. शंकर एहसान लॉय का कॉम्पोजिशन है, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ देम. और अरुणिता की आवाज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी, आपने इतना दिल से गाया अरुणिता. नोन टू डू दैट, आपका वो जादू हमेशा देखा है मैंने. बट पीयूष को यही मैजिक डालते हुए और आप दोनों को साथ में सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. प्रेजेंटिंग आद्य मिश्रा एंड सलमान अली. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम. अरे बाप रे, तू है
चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं ना जानूं तू ही जाने मैं तो तेरी तू है मेरा मैं ना जानूं तू ही जाने मैं तो तेरी तू है आद्या सलमान अली के साथ गाना ये अपने आप पे बहुत बड़ा चैलेंज है ये जब लड़का खड़ा होता है यहाँ पर he owns the stage to another level मतलब इस तरह का टैलेंट बहुत रेयर होता है सलमान अली इज अ ब्लेसिंग टू द म्यूजिक वर्ल्ड थैंक यू सो मच मैम थैंक यू आई मीन इट अपने आप को रिस्ट्रेन करके आपके लिए जगह छोड़ा उन्होंने कि लेट आद्या शाइन ये कितना बड़प्पन है आपका बहुत बड़ी बात है थैंक यू मैम थैंक यू सो मच मैम थैंक यू ये सीजन खत्म होने आया है आई एम फीलिंग अ लिटिल इमोशनल टुडे जाए तू कहीं भी ये सोचना
बहुत ही खूबसूरत। उफ, मुझे इनफैक्ट लगा कि ये एक ही गाने के दो इंटरप्रिटेशन सुनाई दिए मुझे। एक पवनदीप का जो रेंडिशन का स्टाइल है वो बहुत ऐलान करने वाला था, और ओबाम का बहुत इंटरनल था, वो अपने आप से बात कर रहा था, वो अपने महबूबा से बात कर रहा था। ये दोनों चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक ही गाने के दो पहलू हो सकते हैं। साथ में गा रहे थे पर दो अलग तड़के थे दोनों गानों में, बहुत कमाल लगा। थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूँगा तुम लोगों के लिए, तूने कभी सोचा था कि इस तरह से अरुणाचल से एक लड़का तेरे साथ ऐसा मिल जाएगा सामने? नहीं सर। नहीं ना, यही तो बात है। एक दिन आप यूं हमसे मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। तूने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। तो अब शो का वो पल आ चुका है जो हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं बात कर रहा हूं एलिमिनेशन की। फिनाले से सिर्फ दो हफ्ते पहले जजेस स्कोर्स के बेसिस पर जो तीन सिंगर्स आज बॉटम में हैं, वो है आदिया मिश्रा, ओबाम, दीपन। जो टॉप सेवन में जा रहे हैं, जो सेमीफाइनलिस्ट्स हैं इंडियन आइडल सीजन 14 के, वो दो सिंगर्स, वो दो कंटेस्टेंट्स, उनके नाम हैं ओबाम तांगू आदिया मिश्रा। वेलकम टू द सेमीफाइनल ऑफ इंडियन आइडल सीजन 14। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.